Students, today we will start a new chapter, direct and indirect speech. So firstly we understood what is direct or indirect speech. For example, कि आपके पापा ने आपको, आपके दो भाई बहन हो तो आपके फादर ने आपकी एक बहन को लाकर कोई गिफ्ट दिया, और वो सिस्टर आकर आपसे बोलती है कि मुझे पापा ने गिफ्ट लाकर दिया. तो ये जो उसने बोले हैं वो वर्ड्स आपके पापा के बोले हुए एक्चुअल वर्ड्स नहीं है. तो जब भी कोई बात आपसे किसी ने कही और उसको जब आप दूसरे से कहते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं वर्ड्स, इन्हीं को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. सो लेट्स स्टार्ट. देर आर टू वेज टू रिलेटिंग व्हाट अ पर्सन ही सेड. दो वेज होते हैं किसी भी बात को कहने के लिए. अगर आपसे किसी ने कुछ कहा तो आप डायरेक्टली जाकर उसे बोल सकते हैं, या फिर आप अपने वर्ड में, अपनी बातों में उसको बोलेंगे. वी मे क्वोट हिज एक्चुअल वर्ड. दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जब आप एक्चुअल वर्ड बोल रहे हैं बोलने वाले का, तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी. वी मे रिपोर्ट वॉट ही सेड विदाउट क्वोटिंग हिज एक्जैक्ट वर्ड. जो एग्जैक्ट वर्ड अगर आप चेंज करके बोल रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. डायरेक्ट स्पीच. ही सेड आई एम बिजी नाउ. ही सेड आई एम बिजी नाउ. दिस सेंटेंस इज डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच. He said that he was busy then. अब इन दोनों सेंटेंस का डिफरेंस समझिए. He said, उसने कहा I am busy now, मैं भी बिजी हूँ. ठीक है, लेकिन अब आप जब इस बात को किसी थर्ड पर्सन से बोले तो आप क्या बोलेंगे? He said that, उसने कहा कि he was busy then, वो अभी बिजी है. समझ में आ रही है आपको बात? यहाँ पर I किस में चेंज हो गया? He में, क्योंकि ये बात I डायरेक्ट जब आपसे बोल रहा था तब वो I का यूज़ कर रहा था. बट जब आप I की बात करोगे तो आप उसको चेंज करोगे he में. आप ये नहीं कहोगे ना कि वो कह रहा था कि वो मैं बिजी हूँ, आप ये बोलोगे कि वो कह रहा था कि वो बिजी है. इन डायरेक्ट स्पीच. इन द एग्जाम्पल द वर्ब सेड दैट इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच. सच अ वर्ब इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब. अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है. इनडायरेक्ट स्पीच. द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा. जिस स्पीकर का एक्चुअल वर्ड होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में सेपरेट होता है. फॉर एग्जांपल देखिए, ये है ना आई एम बिजी नाउ, ये जो है एक्चुअल वर्ड जो है वो कहे हुए, इसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में सेपरेट करते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्चुअल ऑफ द स्पीकर बींग विद अ कैपिटल लेटर. रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होता है. द रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेट बाई अ कॉमा फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कॉमा से, रिपोर्टिंग वर्ब से अलग होती है. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है. इन्वर्टेड कॉमा आर नॉट यूज, बट द रिपोर्टेड स्पीच जनरली इंट्रोड्यूस बाय द कंजक्शन दैट. रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो दैट्स कंजक्शन से ऐड होती है. द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड. ये जो यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को सेपरेट करने के लिए, वो रिमूव कर दिया जाता है. देन द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज. जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. द क्वेश्चन मार्क एंड द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आर नॉट यूज. इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आर पुट एज स्टेटमेंट्स.